एमपी बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान का आज शुभारंभ हुआ है। बातचीत करेंगे हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। वीडी शर्मा जी, बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद, शुभकामनाएं भी, क्योंकि बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत हुई है। कैसे ये अभियान काम करेगा आगे जानना चाहेंगे। देखिए, बूथ विस्तारक अभियान पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज से प्रारंभ हुआ है जी। हमारे खजुराहो के अंदर राजनगर विधानसभा के, उदयपुरा के बूथ क्रमांक 171 और 172 पर हूँ। आज आप यहाँ देख सकते हैं कि व्यापक उत्साह का वातावरण कार्यकर्ताओं से लेकर के बूथ की आम जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे बूथों पर उतर के बूथ को सक्षम बनाने का अभियान, ये संगठन के पर्व के वर्ष पर, जो हमारे ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, हमने तय किया है कि बूथ को सक्षम बनाने के अभियान में जो भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 51% वोट शेयर को लेकर के आज हमने काम प्रारंभ किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से सफलता 20,000 कार्यकर्ता 9,000 ग्राम नगर केंद्रों पर 65,000 बूथों पर जाकर के बूथ को सशक्त बनाने का जो अभियान हमने लिया है, ये अभियान बहुत यशस्वी बनेगा और जनता का अपार समर्थन, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को बनता है। इस अभियान को जमीन पर उतारने का काम हमारे कार्यकर्ता आज बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत की है। मैंने भगवान भ्रतृकृष्ण के दर्शन करके आज इसकी शुरुआत की और बूथ की बैठकें हो रही हैं और अलग अलग प्रकार के काम बूथ पर हैं। उन कामों को मैं भी आप इस बूथ पर उदयपुरा के अंदर करने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल शर्मा जी, देखिए कार्यक्रम हो चुका है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने के लिए मिल रहा है। क्या माना जाए, 2023 की तैयारी है या ये पार्टी की प्रक्रिया ही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सहज तौर पर अपने संगठन के मजबूती का अभियान हमेशा चलाती है। हम केवल राजनीति करने के लिए नहीं, समाज में सामाजिक भूमिका निभाने का काम भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो हम सब मिलकर के अपने संगठन के मजबूती का अभियान हम लगातार चलाते हैं। केवल चुनाव के लिए नहीं, अपने संगठन को मजबूती के आधार पर समाज के लिए हमारी क्या भूमिका बने, ये हमारा प्रयास होगा। ठीक है, जब समाज की भूमिका की बात आप कर रहे हैं वीडी शर्मा जी, तो एक और सवाल है मेरा, क्योंकि देखिए जिस तरह से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है, जन जन तक इस अभियान को पहुंचाया भी जाएगा, लेकिन आम जनता को इससे कैसे लाभ होगा, क्या कुछ ये आम जनता के लिए लाभप्रद कैसे साबित होगा, जानना चाहेंगे। क्योंकि आम जनता के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता के साथ जो संवाद हमारा बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ होगा, जैसे अभी उदयपुर के अंदर अभी बूथ का हमारा सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में कोरोना के संकट के निपटने के लिए जो जो सावधानियां, ये भी हमने चर्चा की है। बिल्कुल, साथ में ही हमने प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण की योजना है जो गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही है, उनसे लोग लाभान्वित कैसे हो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजना है, तो लोगों के जीवन बदलने का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उनकी चर्चा भी बूथ पर लोगों के साथ बैठ करके कर रहे हैं। यहाँ की और क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, जनता के साथ संवाद भी इन बूथ के सम्मेलन में, बूथ की बैठकों में हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और सवाल, बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है जो विपक्ष है वो बीजेपी पर लगातार हमलावर है, तो क्या ये शक्ति प्रदर्शन भी है विपक्ष को दिखाने का? देखिए, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं, कांग्रेस इस देश के अंदर अप्रासंगिक हो गई, मध्य प्रदेश के अंदर तो ज्यादा ही अप्रासंगिक हो गई, तो वो केवल झूठ छल कपट की राजनीति करते हैं, केवल आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। हम तो सकारात्मक दृष्टिकोण पर जनता के बीच अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के सशक्त और सक्षम बनाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके नेतृत्व में, हम दुनिया का सबसे बड़ा दल है, तो हमारी भूमिका ठीक बने, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी जनता के बीच, जनता जनता के लिए अकाउंटेबिलिटी के आधार पर काम करें, ये हमारा प्रयास है और इस दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना काम सकारात्मक तौर पर कर रहे हैं। सबसे बड़ा दल है और इस दल से हर कोई जुड़ सके, ये उद्देश्य है क्या इस कार्यक्रम का? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। अगर बूथ पर सर्वस्पर्शी भाजपा है कि नहीं, सर्वव्यापी भाजपा है कि नहीं है, हर समाज वर्ग का प्रतिनिधित्व बूथ समिति में है कि नहीं है, नौजवानों का, माताओं का, बहनों का, ऐसे सभी लोगों को जोड़ने का काम इस बूथ सशक्तिकरण के अभियान में भारतीय जनता पार्टी निभा रही है, तो सामाजिक समरसता ये भी हमारा एक उद्देश्य है। मैं हमारे अपने अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता के घर अभी
नाश्ता करने के लिए जाने वाला हूँ, हमारे ओबीसी वर्ग के प्रमुख लीडर से मिलने वाला हूँ, अन्य समाज वर्गों के हमारे जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने ठीक है, सबका साथ तो ले लिया है, सबका विश्वास भी मिल रहा है लगातार भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब सबका विकास कैसे होगा ये चुनौती है। अभी सबके विकास में लगे जी, गरीब कल्याण की योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी सबके विकास के लिए प्रतिबद्धित है। और आज हम ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत जो 5 लाख रुपए तक का लोगों को फ्री में इलाज कराने का अधिकार देती है, हम ये नहीं पूछते कि वो कौन से समाज का है, कौन से क्षेत्र का है, किस धर्म का है, सबके लिए। तो सबका विकास और सबका विश्वास इस मंत्र पर, माननीय प्रधानमंत्री के मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी उसी मंत्र पर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, धर्म की बात अगर आई है तो देखिए धर्म को लेकर सियासत अभी बीते कुछ दिनों से लगातार देखने के लिए मिल रही है, विपक्ष भी लगातार कई तरह के सवाल बीजेपी से कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, उनका काम केवल सवाल करना है, वो जमीन पर जा नहीं सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, इतनी जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। उनके एक सांसद आज कह रहे थे कि मैं तो पहली बार आप लोगों से मिलने के लिए आ रहा हूं, पहली बार जा रहे हैं। ये जो स्थितियां इस प्रदेश के अंदर हैं और देश के अंदर, कांग्रेस तो अप्रासंगिक हो गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबके साथ मिलकर के, और मैं ऐसा मानता हूं, आपको आपके प्रश्न का जवाब देता हूं जी, आज सभी धर्मों के लोग और मैं तो कहता हूं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अगर अंतरात्मा से कहेंगे कि हम कहां सुरक्षित हैं, हमारा विकास किनके नेतृत्व में अगर हो रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, अंतरात्मा की आवाज। छोटा सा सवाल वीडी शर्मा जी आपसे, और 2023 में विधानसभा चुनाव है, ये अभियान जो आज शुरू हुआ है इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूती के आधार पर आगे बढ़ती है। बिल्कुल, हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, और कार्यकर्ता की मजबूती बूथ में है, बूथ मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है। देश के लिए भाजपा मजबूत चाहिए और भाजपा को मजबूत करने के लिए बूथ मजबूत चाहिए। तो हमारे बूथ के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, बूथ समितियां, मंडल समितियां, ये जो आप यहाँ पर भी जो देख रहे हैं जन समुदाय, ये सब भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास जनता का है, तो इसमें जरूर 2023-2024 और सामाजिक अभियान में भी कोरोना के संकट में अगर किसी ने काम किया गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, तो सामाजिक भूमिका का निर्वहन भी भारतीय जनता पार्टी। विश्वास से और भरोसे से उत्प्रोत भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया वीडी शर्मा जी अपना वक्त देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।